देवास के ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट मामला रफ्तार पकड़ने के पहले एक बार फिर किसानों के विरोध के आगे ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। रसूलपुर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पर प्रशासनिक अमला जमीन समतलीकरण करने पहुंचा था, लेकिन वहां के किसानों ने इस पर आपत्ति लेकर काम रुकवा दिया और कुछ महिलाएं जेसीबी के आगे आ गई। किसानों का कहना था कि इस वर्ष भर हम खेती का इंतजार करते हैं, उसके बाद बच्चों का पेट भरते हैं। अभी हमारी गेहूं की भूमि पर जेसीबी चला दी, हम जमीन से नहीं हटेंगे। किसानों का कहना है कि हमें आज की गाइडलाइन के हिसाब से रुपए दिए जाएं। सूचना मिलने पर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे, मौके पर मौजूद तहसीलदार से चर्चा की, उसके बाद प्रशासनिक अमला लौट गया। देवास विकास प्राधिकरण ने साल 2008 में तत्कालीन विधायक असलम तुकोजी राव पवार के कार्यालय में ट्रांसपोर्ट नगर का प्रोजेक्ट तैयार किया था। प्रोजेक्ट के तहत करीब 11 हेक्टेयर जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाना था, जिसमें कुछ किसानों की निजी भूमि भी आ रही थी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई हुई थी और अवार्ड पारित हुए थे, लेकिन करीब 22 किसानों ने राशि नहीं लेते हुए न्यायालय की शरण ली थी। किसान उस समय ज्यादा राशि की मांग कर रहे थे, इसके बाद से ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट अटका हुआ था। मामला बाद में हाईकोर्ट तक पहुंचा और वहां से कुछ महापूर्व विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला दिया गया था। इसके बाद पिछले दिनों प्राधिकरण ने जमीन पर कब्जा लेने की कवायद शुरू की, लेकिन पहले भी किसानों ने इसका विरोध करते हुए जमीन देने से इनकार कर दिया था। इसने नहीं, हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? हम साल भर इंतजार करते हैं, हम खेती का पेट भरते हैं और हमारे बच्चे का कैसे पेट भरेंगे? फिर दाल की मजदूरी करने जाते हैं हमारे। अभी क्या हुआ था यहाँ पर? अभी आते से जेसीबी चलाई, किसने चलाई जेसीबी? ट्रांसपोर्ट नगर वालों ने, और ये पूरी कंपनी ऐसी कैसी छोड़ दी? पास की जमीन छोड़ दी, ये हमारी गरीबों की जमीन दिखी क्या? कितने बीघा जमीन है आपकी? हमारी टोटल 55 बीघा जमीन है। ये पूरी ले रहे हैं? हाँ पूरी ले रहे हैं। अब हम तो ये जमीन पे से हटेंगे ही नहीं, बस हमारा पूरा हिसाब होना, बस हमारे गाँव बोए कल तो हमारे ऊपर से जेसीबी चलवाओ। लेना है तो सबकी लो, आगे कंपनी भी तोड़ो और इधर के भी लो, तब देने तैयार है। अभी हमारी गांव में बोए थे हमने और आते ही हमारी जेसीबी चला दी, और पियत की जमीन है हमारी, ऐसा नहीं, हमारी पियत की जमीन और घोषित कर दी सूखी जमीन इसको। ये हमारी बाईपास की जमीन है, बिल्कुल बाईपास से लगी हुई, और 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए बीघे में लिए। 5 लाख में आज के जमाने में कई बंजर जगह खेती में कहीं पे भी प्लाट भी खरीदते हैं तो 15x30 का प्लाट नहीं आता। तो ये तो हमारी पियत की जमीन है, की खेती है किसानों की, जड़ है ये बाप दादाओं की है, कोई ये खरीदी भी नहीं है। कोई कितनी जमीन है? कितनी जमीन है आपकी? सबकी मिला के हमारी 55-60 बीघे जमीन है। ये आप सब एक ही परिवार के? एक ही परिवार के, सारे अलग अलग परिवार है, एक ही परिवार के। कहाँ रहते हैं आप? हम यही रहते हैं, हमारा जमीन बाप दादाओं की है, आज से नहीं है, कई साल हो गए इस जमीन को, 100 साल हो गए हमारे। और ये फैक्ट्रियों की जमीन आगे की, उधर की बाईपास की, इधर की जमीन छोड़ के खाली 50 बीघे जमीन ली है किसानों के आसपास के किसानों। और ये छोड़ी उसको लेना थी नहीं, क्या बोलते 50 लाख क्या जमीन? गाइड लाइन से क्यों ले रहे हैं जमीन? क्यों ले रहे हैं ये जमीन? क्यों ले रहे हैं जमीन? छोड़ी यो भी बोलो, ये जमीन, ये जमीन क्यों ले रहे हैं आपसे? क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? ट्रांसपोर्ट नगर आ रही है तो ट्रांसपोर्ट नगर में आज की गाइडलाइन के हिसाब से पैसा दीजिए। क्या गाइडलाइन है आज की आपको पता है? 2 करोड़ रुपए लिखा है आज की गाइडलाइन। अगर आप 2 करोड़ रुपए दीजिए की जमीन है, 2 करोड़ रुपए दीजिए की, और इधर भी कहीं छोड़ दी, बड़े लोगों की पैसा वालों की इधर की भी छोड़ दिया, गरीब लोगों को खा रहा है पूरे तरह। समस्या इस प्रकार की थी कि किसानों को एक तरह से जैसे कहते हैं कि पहले काले वो जो जेल होती थी, कौन सी जेल कहते थे उसको, कि यार इसको वो जेल दे दी अपन ने, काला पानी की सजा, उस सजा से भी बढ़कर आज इनके पूरे परिवार को ये सजा दी जा रही है। इनकी जमीन 2008 में अधिग्रहण की गई थी, इनको बगैर सूचना दिए, ऐसा कोई कानून नहीं बना कि किसान को बगैर सूचना दिए जमीन उनकी दूसरे के नाम विकास प्राधिकरण ने अपने नाम करवा ली। ये सरासर मतलब ये अपन कौन सा कानून कह सकते हैं इसको? कब हुई थी ये विकास प्राधिकरण के नाम पर? ये अभी 2008 का बता रहे हैं ये, तो जब किसान की सहमति नहीं तो उसके बगैर विकास प्राधिकरण ने अपने नाम कैसे कर ली? मतलब ये फर्जीवाड़ा कहाँ से उत्पन्न हो गया? अभी आपने यहाँ पे क्या किया? अभी जब मुझे पता चला, अभी हमारा भोपाल का कार्यक्रम है 2011 में, अभी हमारा भोपाल का कार्यक्रम है 22 तारीख के दिन, तो हम उसी को लेकर इधर घूम रहे थे जी।
तो अब इन किसानों द्वारा हमें सूचना दी गई कि यार हमारी ज़मीन पे जेसीबी चल रही है, ना तो हमें मुआवजा दिया गया ना सूचना दी गई। अभी इनकी खड़ी फसल में इनने जेसीबी चला दी, तो जब हम मौके पे पहुँचे तो उनसे हमने आवेदन निवेदन किया। मैंने कहा यार आप आज जेसीबी आपकी निकाल लीजिए, हम आपके उच्च अधिकारियों से और हमारे पदाधिकारी बैठ के आपस में चर्चा करेंगे कि क्या आगे करना है। पर इनका ये कहना था कि नहीं जेसीबी तो चलेगी। फिर हमने बोला कि आप आपकी जेसीबी आप आपका कार्य करें, हम हमारा कार्य करें। तो हमारे कुछ पदाधिकारी अभी पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तो अब इनका ये कहना है कि हम सारी गाड़ियाँ हटा रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आप गाड़ियाँ चलाइए, ये जो भी किसान है इनके ऊपर इनको रोनते हुए चलाइए, और जो आपको निर्माण करना है कीजिए। पहले भी किसी ज़माने में पुल के अंदर ये ऐसा कुछ जड़ते थे जिंदे इंसानों को, तो ऐसे यहाँ पे आप कुछ निर्माण कर रहे हो तो इनकी बलि चढ़ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी अभी तहसीलदार जी ने क्या बोला है? तहसीलदार महोदय ने तो यही बोला कि मेरी कमिश्नर महोदय से चर्चा हुई कि हम आपकी ये गाड़ियाँ बाहर निकलवा रहे हैं। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।